जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है 12 अगस्त से, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जीके की सीरीज चला रहा है, जिसमें जीके है, साइंस है और मध्य प्रदेश जीके है, नेशनल जीके है और करंट भी है। तो पहले तो सभी से मैं चाहूँगा कि न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, PDF लेने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड करिए, सिद्धार्थ सर जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, डेली मैं वीडियो डालता हूँ, आपको डेली देखना है। चलिए तो पहला प्रश्न है आपके सामने, विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। ये देखो मैं आपको बता दूँ, MP पटवारी से प्रश्न लिए हैं, जो अभी पटवारी चल रही थी, अभी MP पुलिस के मैंने 2021 के सेट कराए हैं 5 सेट, तो अभी मैंने पटवारी के लेटेस्ट पैटर्न के चक्कर में। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, तमिलनाडु, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो याद रखियो क्या हो जाएगा, असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा। ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सेकंड, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 15 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। दिवस से प्रश्न हर साल ही ना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल, तो याद रखियो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त में किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में। और राष्ट्रीय जो खेल है, पहले उसका राजीव गांधी नाम था, अब उसका नाम ध्यानचंद कर दिया, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखियो कौन हो जाएंगे, रविशंकर शुक्ल साहब हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। वर्तमान में कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल साहब हैं, ये भी याद रखना है, पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 230 हैं, लोकसभा की कितनी है तुम्हारी, 25 हैं, राज्यसभा की कितनी है, 11, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, मलखम अकेडमी कहाँ है, उज्जैन है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चले अगला प्रश्न है, सोनागिरी डैश का तीर्थ स्थान है जैन, मुसलमान, बौद्ध, सिख, तो याद रखियो किसका है, जैन का। चले जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन, ऋषभदेव, कौन ऋषभदेव याद रखियो। और जो 24वें कौन है, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या है, वर्धमान, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है, चले अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रीवा के या रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है, तमस, विपुल, चचाई, पार्वती, तो याद रखिए कौन सी हो जाएगी, वो तमस नदी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न अंदर के कभी कभार पूछ लेते हैं, जो ये यूट्यूबर पढ़ाते हैं उनको पता भी नहीं है, एक बात याद रखिए, इसलिए मैं ओल्ड प्रश्न पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान आप बताइए, कौन बताएगा, मंसूर अली खान, कपिल देव, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, तो याद रखियो आंसर क्या हो जाएगा, अजीत वाडेकर हो जाएंगे। प्रथम जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ODI विश्व कप जो जीता था हमारी इंडिया ने, जो उसके कप्तान तुम्हारे कौन थे, कपिल देव थे, कब, 1983 में। उसके बाद 2011 में MS धोनी के समय में जीता गया है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो याद रखियो कितनी होती हैं, ये सभी को पता है कितनी होती हैं, 24। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, तो याद रखियो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। देखिए मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या बनाया था, गेटवे ऑफ इंडिया, बात क्लियर है, और जब गए थे तब गेट ऑफ इंडिया बनाया था, ये दोनों चीज़ों में, गेट ऑफ इंडिया, इसमें बे लग जाता, उसमें ऑफ, ये चीज़ें आपको याद रखना है। सूती कपड़ा की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, बात क्लियर है। चले अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई और आपका 5 जुलाई, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ये आपको बताना है क्या होना चाहिए। तो याद रखियो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बात क्लियर है। जनसंख्या जैसे कि इसमें से, चले फिर कभी बताऊंगा जो मैं बताने वाला था, छोड़िए। अगला है, खरगोन जिले में प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है, चंदेरी, मैसूरी, बनारसी, झलकल,
तो याद रखिए जो खरगोन जिले की जो प्रसिद्ध साड़ी है वो महेश्वरी है। चंदेरी की बात करी जाए कहाँ की है, अशोक नगर की। बात क्लियर है। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, मेदिनी राय और किसके, बाबर के बीच में। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए और ये लगभग लगभग 1528 के करीबन हुआ था। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया, 24 जुलाई, 5 जुलाई, 20 जुलाई, 10 अगस्त। देखिए ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं डेट से संबंधित, तो याद रखिए 24 जुलाई को। अगला है कि ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो याद रखियो क्या हो जाएगा आपका, 1948 से 1956, तो याद रखियो ये इंदौर हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, इंदौर। और अगर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी की बात करी जाए तो जबलपुर, याद रखियो, बात क्लियर है। राजधानी की बात करी जाए तो भोपाल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। खंडपीठ जो है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी तुम्हारा कहाँ है, जबलपुर है। खंडपीठ आपकी ग्वालियर और इंदौर में है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने 13, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है। अब बताइए ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे, आपको क्या याद है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, 24वें उर्जित पटेल साहब। बात क्लियर है। पटेल साहब के बाद आ गए, और इसके बाद बात करी जाए तो अभी वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास साहब हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है। चले अगला प्रश्न की बात करें, दमोह में जटाशंकर मंदिर डैश को समर्पित किसको है, महादेव, हनुमान जी, विष्णु, रामचंद्र। तो जटाशंकर से तो आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भैया हनुमान जी, सॉरी शंकर जी हो सकते हैं। अगला है, प्राचीन काल में कौन सा शहर आवंतका के नाम से जाना जाता था, उज्जैन, ग्वालियर, झांसी, भोपाल। तो याद रखियो क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। 1857 की क्रांति के लिए प्रमुख शहर, मतलब आपका झांसी रहा है, ग्वालियर भी रहा है। ठीक है, इस पर झांसी की रश्मि बाई ने कब्जा कर लिया था। बात क्लियर है। अगला प्रश्न है, 15वां है, प्राचीन काल में कौन सा शहर आवंतका, अच्छा ये हो चुका है, रिपीट। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर। तो याद रखियो क्या हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जबलपुर का है, याद रखियो। ठीक है, श्योपुर में, चले छोड़िए। अगला प्रश्न है कि 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, भौतिक, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, रसायन विज्ञान, फार्माकोलॉजी। तो याद रखियो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इन्होंने एक कोड दिया था। चले अगला है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, पीबी दीक्षित, एम हिदायतुल्ला, एच जे कानिया, अजय माणिक राव। तो याद रखियो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है कि विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, इसको मैं आप लोगों से चले बता ही देता हूँ। चलिए 4 फरवरी याद रखियो, आंसर क्या हो जाएगा, 4 फरवरी। अगला प्रश्न है कि 500 रुपये के नोट पर हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं, 14, 22, 23, 15। तो याद रखियो कितनी, 15। अब बताइए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती डैश क्षेत्र से संबंधित, रीवा, ग्वालियर, पन्ना, जबलपुर। तो याद रखियो कहाँ से है, जबलपुर में। जबलपुर के अभी रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी दुर्गावती कर दिया गया है, ये भी बहुत भी। रीवा किसके लिए, सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर में जयविलास पैलेस बहुत फेमस है, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर है आपका 22, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद, देवास, ग्वालियर, धार। तो याद रखिए होशंगाबाद।
होशंगाबाद में बोरीबेरी आपका राष्ट्रीय उद्यान है और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई? कोलंबिया, डिस्कवरी, इंटरप्राइज, अटलांटिस। तो याद रखियो कोलंबिया से, जो कि लगभग उधर से वापस नहीं आई है, 2003 की शायद घटना है। अगला है, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? मेहर, नागौड़, पारन, रघुराज नगर। तो याद रखियो मेहर ये किस लिए भी प्रसिद्ध हैं? शारदा माँ के लिए भी प्रसिद्ध हैं और आलाउदल की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध कह सकते हैं। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध? मूर्तियां, टाइगर पार्कों, शैल चित्रों, मंदिरों। तो किसके लिए हैं? शैल चित्रों के लिए। तो देखिए फ्रेंडों, ये 25 प्रश्न थे, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताना है। तो सभी लोग लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट बताइए, सेशन कैसा है। अगर आप मैथ रीजनिंग भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।